फ्रेंड्स गुड इवनिंग, मैं रोहित सोनी। आज आप लोग के बीच दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का जो पेपर 21 फरवरी को हुआ था उसका कंप्लीट टेक्निकल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट पोर्शन जो डिस्प्ले कराया गया है उसमें आप देखिए, फर्स्ट पोर्शन ये बोल रहा है ये मिक्सचर ऑफ ब्लैंक स्पेस आर जनरली यूज्ड ए कटिंग फ्लोर्स। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जनरल पर्पस में किस कटिंग फ्लोर्स अर्थात कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जनरल पर्पस में जो कूलेंट यूज होते हैं अर्थात कटिंग फ्लोर्स यूज होते हैं वो सोल्यूबल ऑयल और वाटर का मिश्रण यूज होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है कि यदि किसी हथौड़े में लगा हैंडल ढीला हो तो क्या हो सकता है। दोस्तों आप खुद से सोचिए, यदि हैंडल ढीला होगा तो क्या हो सकता है। तो हैंडल ढीला होगा तो आपका दुर्घटना का शिकार बन सकते हैं लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है दुर्घटना का कारण बन सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में अच्छी पकड़ प्रदान कर सकता है, अर्थात हमारा फर्स्ट ही आंसर दिख रहा है कि बिल्कुल सही है। बाकी हमारा जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ उससे आप रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा फर्स्ट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है समांतर रेखा खींचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यदि पैरेलल लाइन खींचना है तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए समांतर लाइन यदि खींचना है तो हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू पिच का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज जो ऑप्शन नंबर टू है तो इससे हम समांतर लाइन खींच सकते हैं, जो मेरा बिल्कुल सही है। ट्रेवल जो है थर्ड नंबर में, ट्रेवल से हम बड़े आकार का वृत्त खींचते हैं और डिवाइडर से हम छोटे आकार का वृत्त खींचते हैं। इसका मतलब जो है हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और मेरा यूनिवर्सल सरफेस गेज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वह है कि यदि दो मेटिंग पार्ट्स है उसके बीच के गैप या क्लियरेंस को यदि हमको मेजर करना है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सबको पता रहता है कि दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के गैप यदि चेक करना है तो हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में दिख रहा है हमारा फिलर गेज, बाकी ऑप्शन की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्नेप गेज हमेशा बाहरी लंबाई चौड़ाई चेक मेजर करता है या चेक करता है, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर जो होगा फिलर गेज होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि यदि ब्लाइंड होल है, ठीक है, उस ब्लाइंड होल में यदि हमको डेप्थ को मेजर करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो ब्लाइंड होल में यदि डेप्थ मेजर करना है तो हम डेप्थ माइक्रोमीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेप्थ वर्नियर कैलिपर भी यूज कर सकते हैं। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, वर्नियर हाइट गेज इसका तो हम यूज कर नहीं सकते हैं, माइक्रोमीटर पेच मापी इसका भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, वर्नियर गहराई मापी मतलब वर्नियर डेप्थ गेज मतलब हम इसी का यूज करेंगे, और चौथा नंबर है यूनिवर्सल सरफेस गेज जिसका हम यूज नहीं करेंगे। मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो वर्नियर डेप्थ गेज होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से किसका प्रयोग ड्रिल प्रयोग जो होता है छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है जो एक वृत्त पर समान दूरी पर स्थित है। मतलब बोला जा रहा है कि आपका एक सर्कल है, उस सर्कल में होल करना है परंतु समान समान दूरी पे। तो आपको पता है कि जब भी समान समान दूरी पर यदि कोई ऑपरेशन करना रहता है उसमें इंडेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन में बॉक्स जिग तो होगा नहीं, टम्बलर जिग तो होगा नहीं, चैनल जिग तो होगा नहीं, तो इंडेक्सिंग लगा हुआ है साथ में ड्रिल लगा हुआ है। तो हमारा जब भी आंसर होगा इंडेक्सिंग ड्रिल जिग होगा, क्योंकि हमको सिलिंड्रिकल जॉब में बराबर बराबर दूरी पर ड्रिल करना है
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर वाला हो जाएगा जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हीट ट्रीटमेंट मतलब उष्मीय उपचार प्रक्रिया के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। मतलब उष्मा उपचार में जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पियरलाइट जो है मार्टेनसाइट प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में प्राप्त होता है जो बिल्कुल गलत है क्योंकि पियरलाइट मार्टेनसाइट से पहले स्ट्रक्चर बनते हैं, मार्टेनसाइट के बाद पियरलाइट स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है क्योंकि सबसे पहले फेराइट स्ट्रक्चर, दूसरा सीमेंटाइट स्ट्रक्चर, तीसरा पियरलाइट होता है, चौथा आर्सेनाइट होता है, पांचवा मार्टेनसाइट होता है, छठा टोस्टाइट होता है और सातवां सार्वाइट होता है। तो ये बिल्कुल आंसर गलत है। दूसरा है ये जो है आपका जेनी एंड क्विंच है इसका भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये भी कथन आपका सत्य। कौन सा कथन सत्य, ये भी कथन आपका सत्य नहीं है। तीसरा है लो आधारित मिश्र धातु की भंगुरता बढ़ाने के लिए टेम्परिंग किया जाता है, तो ये भी उससे संबंधित नहीं है जो ये भी आपका गलत है। उसके बाद मार्टिन टेम्परिंग प्रक्रिया का समन की सीमाओं को पार करने के लिए डिजाइन किया जाता है, यही आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है ठीक है कि बियरिंग खाली स्थान है बियरिंग अक्षीय और त्रिज्यीय मतलब एक्सियल और रेडियल दोनों प्रकार के भार सहन कर सकता है। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा बियरिंग है जो अक्षीय और रेडियल दोनों लोड को सहन कर सकता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों बियरिंग तो दो प्रकार के होता है, फ्रिक्शन एंटी फ्रिक्शन और बाकी जनरल पर्पस या स्पेशल बियरिंग कई होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है एक्सियल और रेडियल लोड के लिए हमेशा एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है जो बिल्कुल सही है। मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वह है सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल विभाग के स्टूडेंट होते हैं उनको तो एमसीबी का स्टैंडर्ड पता ही है, परंतु आप मैकेनिकल स्टूडेंट है इसलिए एमसीबी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ आपको लगा होगा, परंतु एमसीबी का मतलब ही होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मतलब इसमें फर्स्ट ही इसका स्टैंडर्ड आपका दिख रहा है तो बाकी हमको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब फर्स्ट आंसर ही आपका एमसीबी का स्टैंडर्ड रूप होता है। नेक्स्ट जो है आपका आंसर, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो जीआई पाइप का वायर मतलब गैल्वेनाइज आयरन जो पाइप होता है उसमें बाहरी थ्रेड काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी थ्रेड के लिए आपको पता होगा कि बाहरी थ्रेड के लिए या तो हम लोग डाई यूज करते हैं या फिर लेथ मशीन पे भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका डाई और स्टोक का प्रयोग किया जाता है बाहरी थ्रेड काटने के लिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है डायल गेज का प्रयोग खाली स्थान नहीं किया जाता है। ठीक है, डायल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता, तो डायल गेज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है पहले उस चीज को देखिए। तो डायल गेज का प्रयोग होता है समांतर सतह का फ्लैटनेस भी चेक करता है, ठीक है, बार और रॉड की समांतरता की भी जांच करता है, ठीक है, समरूप वस्तु के रेखीय मापन में भी छोटे अंतर यदि कोई भी का पता लगाने के लिए भी काम होता है, परंतु बेलनाकार बार और रॉड के केंद्र का पता लगाने के लिए डायल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है वो है ऑक्सी एसिटिक गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है। तो दोस्तों ऑक्सी एसिटिक जो फ्लेम बनती है उसमें दो सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन का और एक एसिटिक का। तो
ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कलर हमेशा ब्लैक होता है और एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर मैरून या लाल होता है। तो हमारा पूछा जा रहा ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कलर हमेशा काला होता है। जो आपका आंसर में यहाँ लाल दिखाया जा रहा है, जो बिल्कुल ये गलत है। आप इस क्वेश्चन का क्लेम कर सकते हैं, क्लेम करने का प्रोसेस भी दिया गया है। आप उस प्रोसेस के तहत आप क्लेम करके आप अपना क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, यदि आप काला ऑप्शन अर्थात ब्लैक ऑप्शन टिकअप किए होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है खाली स्थान मशीन टूल की जननी है। मशीन टूल की जननी मतलब कौन सा ऐसा है जो मशीन टूल की जननी होती है? तो सबको पता है मशीन टूल की जननी हमेशा हम लोग लेथ मशीन को कहते हैं। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मशीनों की जननी हमेशा लेथ को बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है लेथ का मिनरल खाली स्थान होता है। देखिये लेथ का जो मिनरल होता है दोस्तों, ठीक है, वो होता है एक प्रकार का लेथ का होल्डिंग एसेसरीज, और ये एक प्रकार का फिक्सर है जो जॉब को क्लेम भी करता है। परंतु यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है टूल होल्डिंग अटैचमेंट, टूल होल्डिंग अटैचमेंट के जगह पे यदि टूल होल्डिंग या फिर जॉब होल्डिंग एसेसरी दिया हुआ रहता तो ये मेरा सही था, क्योंकि मेंडल कभी टूल को होल्ड नहीं करता है, हमेशा मेंडल जो है वो जॉब को होल्ड करता है। इसलिए ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा, आंसर जब भी होगा तो वो मेरा फिक्सर होगा, क्योंकि ये जॉब को क्लेम करता है और ये क्लेम भी करता है तो खोखली तथा पतली जॉब को क्लेम करता है। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है आपका खाली स्थान गियर संनेहन विधि नहीं है। मतलब गियर में जो लुब्रिकेंट दिया जाता है वो कौन से विधि से नहीं दिया जाता है? तो पहले तो हम विधि जानेंगे कि किस किस विधि से दिया जाता है। तो लुब्रिकेंट देने की विधि जो होती है, एक आपका फीड विधि होता है, एक आपका होता है स्प्रे विधि भी होता है, एक आपका होता है ग्रीस संनेहन भी होता है, स्प्लेश विधि भी होता है। तो देखिये स्प्लेश संनेहन में आपका क्या है कि गियर का आधा भाग लुब्रिकेंट में रहता है, आधा भाग ऊपर, जब वो गियर चलता है तो ऑयल का छिड़कावन होता है जो गियर के साथ ऐसा होता है, मतलब ये विधि गियर में यूज होता है। स्प्रे संनेहन इस ये भी यूज होता है, और ग्रीस संनेहन तो आप जान ही रहे हैं कि गियर में ग्रीस दिया जाता है, ये होता है। लेकिन फिट संनेहन विधि का प्रयोग हम लोग गियर में लुब्रिकेंट देने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि फीड विधि में क्या होता है कि ऊपर में एक पात में लुब्रिकेंट रख दिया जाता है, उसमें छिद्र किया जाता है और उस छिद्र के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे एक एक बूंद करके लुब्रिकेट होते रहता है, जो गियर के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब गियर संनेहन विधि में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है ट्रेवल का प्रयोग खाली स्थान किया जाता है। तो ट्रेवल का प्रयोग दोस्तों जो किया जाता है वो हमेशा बड़े वृत्त का बनाने के लिए, बड़े वृत्त यदि आपको बनाना है तो हमेशा ट्रेवल का यूज किया जाता है। परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पहला है कोनों को चिन्हित करने के लिए, तो ट्रेवल कभी कोन को चिन्हित नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है। बहुभुज बनाने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। वृत्तों को चिन्हित करने के लिए, उसके बाद फोर्थ नंबर में है समांतर रेखा चिन्हित करना, तो समांतर रेखा तो चिन्हित होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए बड़े वृत्त नहीं दिया परंतु वृत्त को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, तो यही हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। मतलब आपका ट्रेमल का प्रयोग वृत्तों को चिन्हित करने के लिए थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मैलेट बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मैलेट का प्रयोग पहला शीट मेटल में किया जाता है, मैलेट
हल्के मटेरियल का बनता है, या तो लकड़ी का बन सकता है, या प्लास्टिक का बन सकता है, या रबर का बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मैलेट बनाने के लिए, तो ढलवा मतलब कास्ट आयरन का प्रयोग कभी भी मैलेट बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, अर्थात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह मेरा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वह है खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, तो ये आपका जो आंसर है इसमें इसमें साफ दिख रहा है कि सोडियम ही एक ऐसा पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आने पर आग लग जाता है, इसीलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका मतलब इसका आंसर सोडियम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि लो धातु कॉपर और एल्युमिनियम धातु की वेल्डिंग में खाली स्थान किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों कॉपर और एल्युमिनियम धातु में यदि बोला जाए कि किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लेम देखिए ऐसे आपका एक न्यूट्रल फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है और कार्बोनाइजिंग फ्लेम है, तो न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग ही किया जाता है, कॉपर एल्युमिनियम कास्ट आयरन ऐसा में किया जाता है। ठीक है, या प्री हीटिंग के दौरान न्यूट्रल फ्लेम मतलब उदासीन फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। बाकी आपका पीतल और जस्ता में हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और हार्ड फेसिंग या सफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बोनाइजिंग फ्लेम, तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है उदासीन न्यूट्रल फ्लेम का यूज हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम इस धातु में करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वह है कि एकल बेल्ट के लिए ढलवे लोहे से बने पुली रिंग की मोटाई खाली स्थान होती है, तो देखिए एकल बेल्ट के लिए ढलवा लोहा में जो पुली की जो मोटाई होती है दोस्तों वो हमेशा 2 mm से 3 mm होता है, या फिर उसको D/300 से D/200 तक माना जाता है। इसका जब हमारा टॉपिक वाइज सिलेबस चलेगी उसमें हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि ये कैसे आंसर आता है। अभी आप इतना याद रखिएगा कि यदि गहराई की बात मोटाई की बात होगी तो उसमें 2 mm से 3 mm या D/300 से D/200 का व्याख्या होता है। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वह है खाली स्थान का प्रयोग कार्य वस्तु की सतह में चीप हटाने के लिए किया जाता है, मतलब आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो भी कंपोनेंट है उसमें ऊपर में चीप है उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो चीप को हटाने के लिए हम प्रयोग हथौड़ा का तो कर नहीं सकते हैं, रेती का कर सकते हैं, सैंड पेपर का कर सकते हैं, स्क्रेपर का कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ऑप्शन में ये भी है ये भी है ये भी है, आप तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। खाली स्थान का प्रयोग कार्य वस्तु की सतह से चीप हटाने के लिए, तो मतलब जो वस्तु है उसके ऊपर चीप है उसको हटाने के लिए ज्यादातर हम लोग खुरच के करते हैं, और खुरचने वाला जो काम होता है वो स्क्रेपर से होता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्क्रेपर ही मारेंगे जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो लोग स्क्रेपर मारे होंगे वो बिल्कुल सही हुआ होगा, जो रेती सोच के मारे होंगे क्योंकि रेती से हम खुरचेंगे, लेकिन जैसी रेती से आगे वाला पॉइंट से खुरचेंगे वो भी एक स्क्रेपर का रूप ले लेता है, इसलिए हम स्क्रेपर इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है फिक्सर का प्रयोग, तो फिक्सर का प्रयोग किया जाता है जॉब को क्लेम करने के लिए, और जीप का प्रयोग होता है जॉब को क्लेम भी करता है और टूल को भी गाइड करता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं टूल को सहारा देने के लिए बिल्कुल गलत है, फिक्सर टूल को सहारा नहीं देता है, दूसरा है टूल को पकड़ने के लिए जो बिल्कुल गलत है, टूल को ये पकड़ता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है टूल को सही दिशा प्रदान करने के लिए बिल्कुल गलत है, टूल पे इसका कोई प्रभाव ही नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर 4 में कार्य वस्तु को पकड़ने और उसे सही स्थिति में
लाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही, कार्य वस्तु मतलब कंपोनेंट, कंपोनेंट को पकड़ता है, उसको सही स्थिति में बना के रखता है जो बिल्कुल मेरा सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है सांप के बेरी के अंदर ओवरलैप भाग को क्या कहा जाता है। मतलब इसको यदि दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो इसको बोला जाता है कि सांप का जो भाग बेरी में होता है, सांप का जो भाग बेरी में होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो सांप का जो भाग बेरी में होता है उसको हमेशा हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में देखते हैं बॉल तो होगा नहीं, बाहर रेस्ट होगा नहीं, आंतरिक रेस्ट होगा नहीं और जर्नल होगा, तो ये मेरा बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है खाली स्थान स्टील का कठोरतम अवयव है। देखिए दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल रहा है स्टील का कठोरतम अवयव, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टील में कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो एक है आपका फेराइट, दूसरा है सीमेंटाइट, तीसरा है आपका पियरलाइट, चौथा है आस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, उसके बाद ट्रोस्टाइट, सार्वाइट, ये सब स्ट्रक्चर है। अब इसमें कठोरतम स्ट्रक्चर, तो कठोरतम स्ट्रक्चर हमेशा आपका जो होता है वो सीमेंटाइट होता है। अब यदि सबसे मजबूत स्ट्रक्चर यदि बोलता तब हम वहां पे पियरलाइट को देखते हैं। सबसे कठोरतम स्ट्रक्चर की बात है तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं आस्टेनाइट जो बिल्कुल गलत है, पियरलाइट ये उत्तम स्ट्रक्चर है, ठीक है, सीमेंटाइट ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सीमेंटाइट आपका कठोरतम स्ट्रक्चर है, लिपेनाइट ठीक है ये आपका नहीं है। मतलब हमारा जो है थर्ड नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है खुरदरी रेत रफ फाइल का प्रयोग कब होता है। तो रफ फाइल है तो रफ फाइल का प्रयोग आप जान ही रहे, धातु को शीघ्रता से काटने के लिए, मतलब धातु को ज्यादा जल्दी काटना है तो हम लोग रफ फाइल का यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए हमेशा रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट ही ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। हमारा नेक्स्ट डीएमआरसी का क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो पार्ट टू में मिलेगा, ठीक है, ये पार्ट वन है और पार्ट टू में मेरा दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा जो आप देखना ना भूलें।